इतने जमाने बाद हम आपको देखने के लिए आए अभी इंडियन रेस्टोरेंट ओनली वन वर्ड वी आर इंडियन। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को लेकर एक इंडियन रेस्टोरेंट में, चाइना की छांगचुन सिटी में, जहाँ की जो बॉस है वो तो चाइनीज़ है लेकिन जो काम करने वाले दोनों वो इंडियन है। तो दोस्तों मेरा फ्रेंड है वो इंडियन है, साउथ इंडियन है, उन मिलवा देता हूँ। तो यहाँ पे ये नहीं है भाई, ये गाड़ी है भाई की, यो भाई साहब है वाला। हेलो हेलो, राम राम जी, राम हेलो राम राम जी, राम राम। तो भाई पूछ रहे अमन को लेके नहीं आया, अमन को लेके नहीं आ सकते दोस्तों, क्योंकि अमन जो है भाई उसको लूज मोशन है अभी, तो बाहर अभी ले जाना ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट में पहुंच के। चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखना एंड तक। मैं और जो गोकुल भाई है, लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में बात करते होंगे यार, आप सोचो यार हम दोनों क्या लैंग्वेज में बात करते होंगे, क्योंकि जो गोकुल भाई है इनको हिंदी नहीं आती है और मुझे जो है इनकी लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन we are good friend Gokul. We are Indians, only one word. Yeah, only one word, we are Indian. That's it. So sometimes we use English, sometimes we use Chinese to communicate with each other, and sometimes we use Ram Ram Ji. Jai Sri Ram. Yeah, once I was live on my Facebook account, then Gokul brother text me in comment box, he mentioned that I'm also in Changchun. And I see, Gokul brother, and he's having, you know, South Indian style thing. Mustache. Yeah. Then, so guys, this is Changchun. It's developing very, 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 very fast. Really, bro. So fast. So, dosto, Gokul bhai jo hai, South India se hai, Madurai se hai. Aur bhai jo hai, yahan pe 20 years se hai. He's in China since, I think, 20 years. 2000. Yeah, from 2000 he's in China. His Chinese is like like awesome, just awesome. So let's see outside view. So दोस्तों आज बाहर का नजारा बहुत गजब का है भाई। भाई की ड्राइविंग बहुत अच्छी है, भाई के पास लाइसेंस भी। ओह सॉरी, मैं भूल गया था भाई सीट बेल्ट पहनना, फालतू में फाइन पड़ेगा उसका। एक लाइसेंस पे 12 पॉइंट मिलते हैं, एक साल में सिर्फ आप 12 मिस्टेक कर सकते हैं, ओनली 12 मिस्टेक। अगर आपका जो एक्स्ट्रा 13 हो गया तो आप फॉर 3 ईयर्स यू कैन ड्राइव इन चाइना। 3 साल के लिए आपको जो पनिशमेंट मिल जाएगी, 3 साल आप चाइना में ड्राइविंग नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर आप ड्राइविंग करते पकड़े गए देन यू विल बी इन जेल। तो बाकी की वीडियो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, आप पहुंच के इंडियन रेस्टोरेंट में, वहां पे मिलवाता हूं मैं अपने इंडियन भाइयों से। सो दोस्तों ऑलमोस्ट हमें जो है 20 मिनट्स हो चुके हैं, क्योंकि मेरी जो सिटी है इसमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है इंडियन रेस्टोरेंट के लिए, और अब जो है कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों हम बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह बहुत मुश्किल से मिलती है भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बिल्कुल दिल्ली वाला हाल है भाई, बहुत कंजेस्टेड एरिया है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया है ये। और यहाँ पे छोटे छोटे शॉप हैं, कॉफ़ी शॉप हैं बहुत सारे। ये ओल्ड सिटी है छांगचुन, ओल्ड छांगचुन कह सकते हैं इसे भाई। तो गाड़ी के लिए ना पार्किंग देखना बहुत मुश्किल हो गया भाई, अभी घुमा रहे हम यहाँ पे, गाड़ी को 2-3 बार घुमा चुके हैं, देखते हैं कैसा होता है। हाँ तो अभी देखते हैं आराम से कहीं गाड़ी, थोड़ा हिंदी है, थोड़ा only thoda thoda yogita can speak thoda thoda hindi yeah but I can understand hindi language I mean the characters I can characters understand yeah because can. I learned yeah. my third language was hindi third language third language in school days
In that time, only third language, you know. Yeah, your first language is Kannada? First language, English. English. Second language, Tamil. Tamil. Third language? Third language, Hindi or French. But Hindi I took Hindi. Yeah. Oh, that's good. Yeah, I took Hindi. तो भैया साउथ इंडिया में तो ऐसा ही है भाई, देखो इंग्लिश चलेगी, उसके बाद अपने तमिल या फिर हिंदी फ्रेंच लैंग्वेज कोई सी ले लो, ऐसा था उनके स्कूल में। लेकिन भाई ने हिंदी लिया, फिर भी यार अपने हिंदुस्तानी भाई है ना, हिंदुस्तानी भाई है, तो हम लोग आते हैं घूमने के लिए बाहर घूम। बट कैरेक्टर्स आई कैन राइट, या कैन यू राइट हिंदी? या लिटिल बिट आई कैन राइट एंड आई कैन अंडरस्टैंड आल्सो। वाह, घर घर या घर खाना पानी हाँ, बिल्ली कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली कुत्ता, सोमवार मंगलवार बुधवार। अरे भाई को इतना हिंदी आता है यार, गुड। बहुत कम हिंदी सिखाते भाई उधर, तो भाई की गलती नहीं, भाई ही लव्स हिंदी, हिंदुस्तानी। इतने जमाने बाद हम आपको देखने के लिए आए, अभी कहाँ जा रहे? गाड़ी आ गई। अभी आ रहे रेस्टोरेंट पे आ रहे हो क्या? रेस्ट हो गया। ओके बाय बाय ओके बाय, सी यू, मिलते हैं। तो दोस्तों अभी जो भाई हमें मिले वो भी यहाँ पे इंडियन शेफ है, कुक है, यहाँ पे खाना बनाते हैं गजब का। एक तो गढ़वाल से है, एक तो तमिल है वो भाई भी, ठीक है। उन भाई को हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है। तो दोस्तों ये देखो भाई, क्रेन देखो, ये वाली मशीन देखो, कितने फ्लोर तक सामान छोड़ के आ सकती है, लेके जा सकती है भाई। या गो 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 गो, इट्स ओके, स्ट्रेट। अरे यार अभी तक आधा घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है, पार्किंग की जगह नहीं है भाई। मतलब यार बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है ये वाला, बहुत ही ट्रैफिक वाला एरिया है यार, बहुत फंस गए यार हम लोग। तो बड़ी गाड़ी लेके आना नहीं चाहिए था भाई। पहुंच गए, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली भाई, बहुत मुश्किल से। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द पार्किंग इन क्विलीलू एरिया। वैसे तो हमें यहाँ पे गाड़ी लेके आना नहीं चाहिए था भाई, या तो फिर आओ यहाँ पे मेट्रो में या फिर टैक्सी से, क्योंकि टैक्सी को रुकना नहीं होता है, आ जाओ टैक्सी से और टैक्सी को वापस कर दो, ठीक है भाई। तो दोस्तों चाइना में हमारी छंगचुंग सिटी में यहाँ पे ऐसा है कि जो टैक्सी अगर फंस जाती है कहीं ट्रैफिक में तो उसका अलग से चार्ज लगता है भाई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है भाई क्विलीलू एरिया, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा बिजी एरिया है। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले समय पर इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है भाई। ये देखो हे भगवान, ये क्या देखो भाई, इतना यहाँ पे मतलब इतना चेंज हो रहा है भाई, हर जो पुरानी सिटी में जो भी एरिया थे उनको बदल रहे हैं भाई। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट पे, ये सामने ही इंडियन रेस्टोरेंट है। स्वागतम स्वागतम, ये देखो जी इंडियन रेस्टोरेंट। निहाओ, हेलो, ये देखो भाई इंडिया की ट्रेन, अरे यहाँ लिखा हुआ है इंडिया, बहुत मजा आता है यहाँ से देख के। हाँ तो ठीक है, कैसे हो? जमाने हो गए यार, आपसे मिलो, हेलो कर दो मेरे फ्रेंड्स को। हेलो हेलो, और जेपी भाई जो उत्तराखंड से हैं अपना, हाँ बोल दो अपने उत्तराखंड वालों को कुछ। हाँ भाई जी, क्या होने तब? तो उत्तराखंड से हैं भाई, तो यहाँ पे हैं शेफ हैं भाई, बहुत सीनियर बंदे हैं यार यहाँ के। जेपी भाई, ये स्ट्रॉन्ग कॉफी चाय, टी इंडियन टी, मसाला टी भाई, चाय भिजवा। टेल मी, आई वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन मसाला टी। वर्किंग भाई को मसाला टी चाहिए, और भी हार्ड वाली। छोटी चाय बहुत है, हाँ छोटी, दोनों के लिए कर दो चाय, कड़क वाली सीधा। तो दोस्तों हम जो ऑर्डर करेंगे तो भाई, ये देखो यहाँ पे 10-12 गोलगप्पे मिलते हैं 29 युआन में, ठीक है, मतलब 290 रुपए में मिल जाएंगे आपको 10-12 गोलगप्पे। लेकिन भाई आपको इंडिया का सामान चाहिए, चाइना में चाहिए, इंडियन भाई लोग बना के देंगे तो महंगा तो पड़ेगा ही।
हाँ बेटे मौज करा दी। तो दोस्तों अपने भारतीय रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका हूँ, तो कुछ तो बनता भाई। तो दोस्तों भारतीय रेस्टोरेंट के अंदर सबसे मुझे अच्छा लगता है बढ़िया अपना जो मटर पनीर है, उसके प्राइस आपको बता देता हूँ 48 yuan है, 480 rupees में, ठीक है जी। अगर ये आपको पालक पनीर खाना है तो वो भी 48 yuan, उसका भी 480 rupees का, ठीक है, इतनी सी कटोरी में आएगा। बाकी तो आपको देखो जी ये है येलो वाली येलो दाल है 42 yuan, 420 rupees में आपको ये मिलेगा इतना सा। और समोसे की बात करें दोस्तों, छोटे छोटे दो समोसे आपको मिलते हैं 30 yuan के, 300 rupees में दो समोसे, भाई यही प्राइस है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये चाय आ चुकी है, 2 cup चाय है और ये है 300 rupees में, 30 yuan। वाह गुड वन है फेस कुक, दैट इज अ चाइनीज गर्ल, शी स्पीक्स तमिल लैंग्वेज वेरी गुड। हां या इंडियन रेस्टोरेंट इन चाइना, इंडियन मसाला टी, माय ब्रदर गोकुल। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन भाई, बहुत मज़ा आता है यार यहाँ पे, देखो चित्रकारी देख के सारा इंडिया का, राजस्थान का, पूरे मतलब पूरे भारत का यहाँ पे ना नक्शा बना दिया अंदर इन्होंने, यह देखिए। और चाय भी आ गया हमारा, पनीर तो हमारी, रोटी भी आ चुकी है, मटर पनीर भी आ चुका है, समोसे भी आ चुके हैं, राइस भी आ चुके हैं, चाय भी है, बाकी अभी थोड़ा आने वाला है। वाओ फ्रेंड्स, हमारी मैंगो लस्सी आ चुकी है भाई, आज तो पूरा इंडिया वाला मजा आ रहा है। मैंगो लस्सी या मैंगो लस्सी ब्रो, तो भैया पेट तो एकदम फुल हो गया आज तो, पूरा मजा आ गया भाई, अब तो यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा, जाने का मन नहीं कर रहा, मतलब यार भाई 2 साल हो गए इंडिया नहीं गया मैं, तो घर की भी याद आ रही है, बट ये करे क्या भाई, फ्लाइट भी तो बंद है। अरे वाह 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 भाई, बिल्कुल अपना भारतीय आनंद है भाई इसके अंदर, इंडिया वाला मजा, क्योंकि जो खाना बनाने वाला आदमी है इंडिया के, वो जो माल आता है वो भी इंडिया से आता है भाई इनका, ठीक है भाई। जेपी भाई तो जा रहे हम, ठीक है सर, फिर मिलेंगे। हाँ फिर मिलेंगे, तो अभी स्कैन करना है भाई यहाँ पे, तो अच्छा है ये भाई चोशा को, ये भाई चोशा, ये भाई चोशा, तो भाई यहाँ पे बना है 192 yuan, मीन्स 1920 rupees। तो यहाँ पे देखिए सौंफ और ये सब भी मिलता है भाई। कौन सा नाम से चैनल खोला हुआ? इंडियन इन चाइना के नाम से भाई का चैनल है आपका। किस में? देखो देखो यूट्यूब में। हाँ यूट्यूब पे है भाई, अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ नहीं, एक लड़की थी जो इधर हमारे साथ बैठा था, उसने डाला था। आज से हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे हमारे जेपी भाई, अपनी मर्जी से आ जाता है, देखो आपका भाई, सब्सक्राइब करो यहाँ से, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करो, ये डल, ठीक है, ये सब करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो सजा मिलेगी एज ए इंडियन आपने नहीं किया तो। अब यहाँ पे वीडियो देखते रहो और जब नई वीडियो आएगी तो नीचे कमेंट कर देना रवि भाई, जेपी भाई, ठीक है, फिर मैं देख लूंगा आपका कमेंट, ठीक है जेपी भाई, मिलते हैं, राम राम भाई, बाय बाय। बोला भाई यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डेवलपिंग एरिया, इंडियन रेस्टोरेंट, कभी भी आओ चांगचुन सिटी में तो आपको यहाँ पे ज़रूर लेके आऊँगा भाई। तो दोस्तों हम फिर से पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास में, भाई बहुत गर्मी हो रही है आज से। तमिल सॉन्ग, तमिल भाई को बाय बाय करते हैं। वाह भाई ने मुझे यहाँ पे जिलिन यूनिवर्सिटी के पास में छोड़ दिया है, चांगचुन यूनिवर्सिटी, बाय बाय ब्रो, हाँ सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।